ये खबर उत्तराखंड के देवप्रयाग से आ रही है, जहां लोगों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड में भारी भूस्खलन से कई मार्गों पर आवाजाही करना बहुत खतरनाक बना हुआ है। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर हाईवे के तोता घाटी पर पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश होने पर भी पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसी ही भयानक तस्वीर तोता घाटी से सामने आई है, जहां हाईवे पर देखते ही देखते लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों में सफ़र करना बहुत ही खतरनाक है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। खासतौर पर श्रीनगर ऋषिकेश मार्ग पर आए दिनों पहाड़ियाँ बरस रही हैं। जहाँ चमधार में प्रशासन ने मार्ग पर यात्रा शुरू कर दिया है, तो वहीं तोता घाटी में बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं सुबह 7 बजे से NH-58 पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं NH-58 पर अधिकारी मार्ग खोलने के लिए NH-58 पर मौजूद रहे और मौके पर देवप्रयाग पुलिस भी मौजूद रही। देवप्रयाग SPM अजय वीर सिंह जी का कहना है, तोता घाटी में जो रास्ता बंद हुआ, कब तक खुलने की उम्मीद है? आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया, सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। सर, कब तक खुलने की उम्मीद है रास्ते? आज शाम तक समाप्त खुल जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पोल मोदी सरकार के खिलाफ उत्तराखंड के इन मार्गों की स्थिति पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल इंक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बने रहिए।